ही बहुत उछक रहे थे ग्रैंडपा, लेकिन इनका वो चूचू भी कुछ नहीं कर पाया। लगता है अब जाके डोरेमोन और उसके दोस्तों से हाथ ही मिला लेना सही है, क्योंकि मैं हर बार हार हार के थक गई। अरे फांस की पूछ ग्रानी, तुम्हें हार मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम तो बात ही मत करो, कहते थे वो जिमी चूचू उनको सबक सिखाएगा, लेकिन वो तो हार गया। अरे नहीं ग्रानी, मैं समझ गया, उनको भूतों से डराने से कुछ नहीं होगा, उनको उनका खिलौना बनके डराना पड़ेगा। क्या कहा, खिलौना? अरे हाँ ग्रानी, रंग बिरंगा खिलौना। फैंस की पूछ, मैं तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाती हूँ। फैंस की पूछ, रंग बिरंगे खिलौने दिखा के उनको अच्छा अच्छा महसूस करा के धपाक से हमला बोल देंगे। काश ये प्लान तुम्हारा काम कर जाए, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारी बिल्कुल खैर नहीं होगी। फैंस की पूछ, 50,000 भूतों के युगों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। चलो मैं चलता हूँ अरेंजमेंट करने। अरे दोस्तों, ये क्या हुआ, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? एक मिनट, ये तो यार पार्क जैसा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल। ये तो अर्ज क्या है, हर हीरा चमकदार नहीं होता, हर हीरा चमकदार नहीं होता, हर समंदर गहरा नहीं होता। अबे वाह 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 वाह, अरे हाँ वाह 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 वाह। हे, अब तुम यहाँ पर शायरिया सुनाने लग गए। अबे यार उसको बोलने तो दे पूरा। हाँ शिनचैन भाई बोल। हर चमकदार चीज हीरा नहीं होता, हर समंदर गहरा नहीं होता, कुछ चमकदार चीज टट्टी जैसा पीला पीला भी होता। अबे हट तेरी, ये कोई शायरी होती है? टट्टियों का नाम ले रहा है, खाना खा रहा था, मुंह से निकलते निकलते बचा है। हे, मैंने तो कहा था इससे शायरी मत बुलवाओ, ये शिनचैन क्या शायरी बोलेगा। अरे वो सब तो ठीक है, सब चीजें एंजॉय करो, ये देखो कितनी बढ़िया जगह हम लोग आए हैं, चारों तरफ रंग बिरंगी दीवारें ही दीवारें हैं। अरे यार लेकिन शिनचैन की शायरी से कुछ सीखने को मिलता है कि हर चमकदार चीज भाई हीरा नहीं होता, समझो। अरे अब इसमें क्या समझे। अबे नहीं नहीं बात तो सही है, हम एकदम से किडनैप होके यहाँ कैसे आए? और एक मिनट, ये तो ग्रैनी के घर जैसा लग रहा है, सिर्फ दीवारें रंगीन है। अरे क्या कहा, लो कहीं बहस पानी में, मुझे तो लग रहा था हम लोग चुट्टियां मनाने अच्छी जगह आए हैं, लेकिन ये तो सचमुच ग्रैनी के घर जैसा लग रहा है, सिर्फ पेंट अलग है। अरे वाह यार, मैं तो अंतर्यामी हूँ, चलो यार मेरे पैर छुओ, देखो मैंने जो शायरी मारी वो सच निकली। अबे चल चल, वो तो तुक्का लगा। गाइस यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ये हम लोग सचमुच ग्रैनी के घर पे आ गए। और एक मिनट, ये तो ग्रैंडपा खड़ा है। हे कंटिन्यू रखो, मैंने ग्रैंडपा को मार दिया है, बोलो। अबे हां हां एक मिनट, क्या बोल रहा था मैं। हां गाइस यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से कमेंट कर दो मनोज ओपी। अरे यार तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब भी पड़ी है, ये देखो हम लोग कहां के अटक गए, ये तो ग्रैनी का घर है, सिर्फ चमका दिया है उसने। अबे यार ग्रैनी हमें इतना बुद्धू समझती है क्या कि वो घर को पेंट करेगी और हम लोग समझेंगे ही नहीं? ये ग्रैनी सचमुच यार खुद ही बुद्धू है। ए, सही कहा, वो बुद्धू ग्रैनी समझती क्या है कि हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि ये ग्रैनी का घर है और यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे, आखिर है तो ये उस बुद्धू ग्रैनी का ही घर ना। अरे यार लेकिन है तो चारों तरफ पॉपिट पॉपिट ना, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन यार अब हम लोग क्या करें, हमें निकलना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं ग्रैनी के पास शक्तियां भी आ गई हो। पपीता भैया, अब तो डर में रैपर बन जाते हो। अरे यार ये डर में कुछ भी बोलने लगता है, ये तो रैपरों की बातों में कौन सा सेंस होता है। भाई बस कर यार, तू रैपरों को रोस्ट कर रहा है गेमिंग वीडियो में, कर क्या रहा है तू? तुम्हें ग्रैंडपा ग्रैनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुमने मुझे मारा। अरे यार सिलेंड्रीना, अब तो डायलॉग चेंज कर ले, बहुत साल हो गए। चलो यार हम लोगों को सेफ्टी मिल चुकी है, फटाफट से खोलते हैं। एक मिनट, इसमें तो यार नारियल मिला है। अरे यार कल नारियल में कुछ हमें एस्केप करने का मिल जाए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नारियल फोड़ के शुभारंभ कर देंगे हम लोग अपने मरने का। अरे यार चिंचन तुम कैसी बातें कर रहे हो, मरने मराने की बातें कर रहे हो, एक मिनट फटाफट से निकल जा, कुछ ना कुछ हमें एस्केप करने का आइटम। अबे मिलेगा मिलेगा, सबसे पहले काम कर लेते, इस स्टोन को भी उठा लेते। चलो भाई लोग यार चेक करते हम लोगों को नारियल में से क्या मिला, और यहाँ पर मिल चुकी है भाई साहब वेपन की। हे अब बोलो, अब आएगा ना मजा, आने दो ग्रैनी और ग्रैंडपा को। वैसे ये ग्रैनी की बच्ची तो दिखी ही नहीं और ग्रैंडपा तो सो रहा था। ये अच्छा है ना सो रहा था। एक मिनट यार ये क्या, ये तो ग्रैनी आ गई। ये लो जियान भैया तुम्हारी काली जबान। आओ बच्चों मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ग्रैनी हमें क्या बेवकूफ समझाए क्या, तुम ये फटे से कपड़े पहन के आ जाओगे और हम लोग कहेंगे तुम ग्रैनी नहीं कोई खिलौना हो। अरे क्या कहा, तुम समझ गए, ये ग्रैंडपा का प्लान ही बेवकूफ वाला था, पता नहीं क्या क्या सोचते और क्या क्या हो जाएगा, खुद तो पता नहीं कहाँ जाके बैठे। ऐसे घटिया से आइडिया तुम्हारे ग्रैंडपा ही सोच सकते हैं। चलो यार वैसे तो हम लोगों ने उनको निपटा दिया है। अरे यार चलो यार बचते बचाते हम लोग यहाँ पर तो आ चुके हैं, फटाफट से चलो यार वेपन निकालते हैं, यहाँ पर ग्रैंडपा तो है ही नहीं। हे अब आएगा ना मजा, मेरी जेब में दो स्टोन्स भी है, ये आ चुका है स्लिंगशॉट हाथ में। हाँ तो भाई खिलौने वाली ग्रैनी कहाँ चली गई तू, हमारे चक्कर में उस ग्रैनी ने कितना धोया, रुक जा तुम्हें मैं आप बताता हूँ। ये लो ये लो। अरे यार दोस्तों ये क्या हुआ, हम लोगों को ग्रैनी ग्रैंडपा ने फिर से बंद करके यहाँ पर रख लिया और ग्रैनी ने लगता है ग्रैंडपा को बहुत धोया था। अरे यार तो ऐसे बुद्धू जैसे प्लान बनाएंगे तो धोएंगे ही ना। गाइज यार आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपको भी धो दूंगा मैं। अबे ऐसे नहीं यार, प्यार से बोलते हैं भाई यार। अच्छा प्यार से बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, गाइज यार फटाफट से कमेंट कर दो मनोज ओपी, वरना मैं आपको धो दूंगा प्यार से। अरे यार ये शिनचैन नहीं सुधरेगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चलो यार अभी तो ग्रैंडपा ने धो दिया था, अब आने दो ग्रैंडपा को, ये खड़ा है ग्रैंडपा पीछे। अरे फ्रांस की पूछ, एक बार फिर से तुम लोग अगर रुक जाओ। अरे ये क्या कर दिया,
अभी कुछ नहीं, पॉपिट ग्रैंडपा को पॉपिट कर दिया, एक मिनट गन से भी पॉपिट कर देते हैं। अरे यार तुमने तो ग्रैंडपा को खिलौने की तरह ही खेल लिया सचमुच। चलो यार अब फटाफट से ये पॉट्स उठाते हैं। अबे यार सही कहा, बहुत ले लिया ग्रैनी और ग्रैंडपा के मजे, अब फटाफट से एस्केप करते हैं। ये यहाँ से निकल चुका है पॉट, एक मिनट ग्रैनी भी आ रही है क्या? अरे यार कलमुआ ये ग्रैंडपा सरेआम गोलियां क्यों चला रहा, रुक जाओ इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। अरे यार ग्रैनी ये तो हम है। अरे एक मिनट, इनके हाथ में गन मतलब ग्रैंडपा मर चुका है। अरे नहीं नहीं ग्रैंडपा नहीं, ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों मर चुके हैं। चलो यार भाई साहब फटाफट से हम लोग यार पॉट वगैरह लेके एस्केप करने की कोशिश करते हैं। अरे यार ये ग्रैनी ग्रैम में जीटीए वाले बोल मत दिया कर यार, भाई साहब करता रहता है। चलो भाई ये उठा लेते हैं हम लोग वास हे, और इसमें भर लेते हैं हम लोग फटाफट से पानी। और पपीता भैया को याद आ गई है नानी। अरे यार नानी का नाम मतलब तुम देख रहे हो, ग्रैनी कितनी भारी पड़ रही है और तुम पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हो। चलो यार फटाफट से अब इस कौए को भी निपटा के आते हैं। अरे यार ये निपट चुका है कौआ। चलो भाई लोग हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है शेट की। ये शर्ट की मिलने पे वाव लगाना जरूरी था है? ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे 10-15 बार एस्केप कंप्लीट हो गए हो। एक मिनट ये नीचे ग्रैंडपा भी खड़ा है, एक बार और लगा दे वाव। अरे यार ये तो सुधरा ही नहीं, फिर से लगा दिया वाव और हमारा सचमुच में ही वाव वाव हो गया। अरे यार ये तो हम लोग गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं फटाफट से अब हम लोग यार वो शर्ट की ढूंढते हैं और शर्ट खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। अरे यार चलो फटाफट से ये मिल चुकी है हमें शर्ट की, अब फटाफट से चलते हैं और चल के खोलते हैं शर्ट और देखते हैं हमें उसमें क्या मिलता है। अबे एक मिनट, एक दूसरे के डायलॉग मत बोला करो यार, तुम्हें बोलता हूँ लोग स्किप कर देते हैं वीडियो को यार। अब तुम्हारे बोलने के चक्कर में हम लोग वीडियो ही छोड़ दे। अरे एक मिनट कुछ उल्टा बोल दिया, तुम्हारे वीडियो के चक्कर में हम लोग बोलना ही छोड़ दे, ऐसा बोलना चाहिए था। अरे यार बोरेमन भैया तुम समझ गए ना, तो बस काम खत्म। चलो यार फटाफट से हम लोगों ने फ्यूज भी लगा दिया, अब हमें चाहिए जनरेटर केबल, अब लेके आते हैं जनरेटर केबल हम लोग। ग्रैनी और ग्रैंडपा भी जिंदा हो गए होंगे, उनकी मरम्मत करने के लिए हम लोग स्लिंग शॉट उठा लेते हैं। ये आ गई ग्रैनी और ये हम लोगों ने उसे मार भी दिया। चलो भाई लोग यार फटाफट से अब चलते हैं नीचे ग्रैंडपा को धोने। और भैंस की पूछ ये लोग नीचे से कहां चले गए? अच्छा बेटा तुम लोग यहां, और रुक जाओ तुम्हें मैं अभी बताता हूं। बेवकूफ हो जैसा प्लान बनाते हो और कहते हो अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ। चलो यार हमें तो गन मिल चुकी है, फटाफट से चलते हैं और चल के यहाँ पर देखते हैं हमें प्लैंक भी मिल चुका है। अरे वाह मतलब अब हमारा एस्केप कंप्लीट हो जाएगा। चलो यार फटाफट से चल के प्लैंक लगा देते हैं और देखते हैं हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे यार पपीता भैया आप जिंदा हो क्या? मुझे तो लगा आप मर चुके हो क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अरे यार वो सब क्या है, ये डर में कुछ बोलता भी नहीं है। अबे यार पहले कह रहा था डर में ज्यादा बोलता है, फिर बोल रहा है डर में कुछ बोलता नहीं है, कहना क्या चाहता है? अरे कुछ नहीं ये सब दोगलापन है, अभी उतारता हूँ इन दोनों का दोगलापन में। अरे नहीं नहीं दुबलापन तो मैं हूँ, डोरेमोन को तो मोटापन है। अबे यार आजकल इन दोनों से भी मिस्टेक हो रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक मिनट ठीक है ग्रैंडपा आ गया। हे और ये चला गया ग्रैंडपा, एक मिनट वो ग्रैनी भी खड़ी है वहाँ पर, तो एक मिनट हमारे पास तो स्टोन ही नहीं है। अरे कल वो लाखों खर्च करके मैंने इतना पेंट करवाया है, तुम बच के नहीं निकल सकते, रुक जाओ तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। हे हम लोग निकलेंगे तेरे लाखों रुपए खर्च करने की वजह से, क्या हम लोग यहाँ अटक के रह जाएंगे? चलो फटाफट से स्टोन उठाओ। अबे यार अगर ग्रैनी को मार लिया ना तो फटाफट से सब लोग लाइक कर देना, ये पड़ा ग्रैनी को। चलो भाई साहब यार ये देखो यार वादा पूरा करो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। अरे यार होंगे होंगे। चलो यार फटाफट से अब ये वास भरते हैं और जल्दी से लगा के आ जाते हैं नीचे। हे पैडलॉक की वहां पर थी मुझे पता है, चलो फटाफट से पैडलॉक की भी ले आते हैं। अरे उससे पहले ये फटाफट से ब्रिज क्रैंक लगा के दरवाजा खोल के आते हैं जब तक ग्रैनी और ग्रैंडपा जिंदा नहीं है। अबे यार सही कहा, ये खुल चुका है भाई साहब यार ब्रिज, फटाफट से चलते हैं पैडलॉक की निकालते हैं और पक्का वहाँ जनरेटर केबल होगी ही, बची ही एक चीज ढूंढने को तो होगी ना वहाँ पर। यार तुम भी कैसी बातें करते हो। चलो यार फटाफट से ये निकालते हैं हम लोगों ने पैडलॉक की, अब चलते हैं नीचे। और नीचे के बाद हम लोग फटाफट से निकलते हैं इस ग्रैनी के घर से बाहर। पपीता भैया को तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रहा था ना, एक काम करते हैं पपीता भैया को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। एक मिनट हमें जनरेटर केबल भी मिल चुकी है देखो तो। अरे क्या कहा, मुझे नहीं लग रहा कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मुझे तो यहाँ से निकलना है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हारे चक्कर में ग्रैनी ने मुझे इतना धोया तो मैं तुम्हें 2-4 चांटे नहीं मारूंगा। अबे यार ये ग्रैंडपा ने तो एक बार फिर से धो दिया हमें यार, फटाफट से जनरेटर केबल उठाओ लगाओ और निकलो, ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में है। गुस्सा तो हो गई ना, लगता है ग्रैनी ने इसे काफी धोया है, पता नहीं क्यों बेवकूफ जैसे प्लान बनाते हैं ये ग्रैंडपा। शिनचैन भाई देख बेवकूफ जैसी तो तू भी बात करता है, हमने तेरे को धोया? नहीं नहीं हमने तेरे को धोया क्या? अरे क्या कहा, मेरी बेवकूफ जैसी बात करती है? गाइस यार कमेंट करके बताओ क्या मैं बेवकूफ जैसी बात करता हूँ? नहीं नहीं मुझे पता ही दो फटाफट से। अबे यार तू तो बुराई मान गया भाई, यार बुरा मानने वाली बात ही नहीं थी यार, कैसी बातें करता है तू। अरे यार हमारा एस्केप कंप्लीट होने वाला है, तुम लोग यार मॉमडेंट मॉमडेंट खोल लो, ये खुल चुका है हमारा गेट। चलो यार फटाफट से निकलते हैं हम लोग। एक मिनट ये क्या ग्रैंडपा के सामने ही आके गिरे हम लोग। भैंस की पूछ इसका आखिरी दिन है, रुक जाओ तो मैं अभी गोली से बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे ग्रैंडपा अगर तुमने इनको जाने दिया ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अबे यार अभी अटकना था, गई भैंस पानी में, फटाफट से खोलो यार इसको। क्या कहा गोरिल्ला भैया पानी में गिर गए? अरे तो निकालो ना। हे मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे यार मार लेना एक दूसरे को, हम लोग तो यहाँ से निकल गए। अरे ग्रैंडपा तुम्हें कहा था ना अगर ये लोग निकले तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसकी पूछ छोड़ने के लिए पकड़ना पड़ता है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे तो कितना भागोगे, आओगे तो इस घर में ही ना,
या फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। oh, no. तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं आपसे इस तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।